प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम एक निर्देशांक ज्यामिति का रेखा से संबंधित प्रश्न लेकर चलेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था किसी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और उसका व्यापक समीकरण क्या होता है, और साथ ही साथ उससे पहले आपको हमने बताया था यदि एक रेखा दी गई है तो उसके समानांतर दूसरी रेखा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न हम दो विधि से हल कर सकते हैं। एक विधि आपको आज बतलाएंगे, एक विधि बाद में बतलाएंगे। तो आज का प्रश्न है हमारा, मूल बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 के समानांतर है। तो देखिए, जैसा कि आपको हमने बतलाया था कि अच्छा ये होता है कि आप डायग्राम बनाएं उसका, और डायग्राम बनाने के बाद उसको समझें तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हमने इसका डायग्राम बना दिया है। जो रेखा हमारी 4x माइनस 3y बराबर 12 दी गई है, वो रेखा हमारी ये वाली है, ठीक, क्लियर। और जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो मूल बिंदु से जाती है, एक बात तो यह है। तो मूल बिंदु हमारा ये हो गया, इससे जा रही है, और साथ ही साथ इस रेखा के समानांतर है, तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से भी जा रही है और इसके समानांतर भी है। तो देखिए, हमने सबसे पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं, दी गई रेखा लिख ली और इस दी गई रेखा का हमने प्रवणता निकाल ली एम। जैसा कि आपको बतलाया था, प्रवणता बराबर होती है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो माइनस तो ही सूत्र का लगा दिया इस समीकरण के अंदर, एक्स जो है प्लस के 4 है वो हमने यहाँ पर लगा दिया एक्स का गुणांक, और वाई का गुणांक जो माइनस 3 है वो हमने यहाँ पर लगा दिया, और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इस रेखा की प्रवणता आ जाएगी आपकी 4/3, क्लियर। अब आप आगे देखिए, आपको बताया था हमने कि मूल बिंदु से जाने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं उन सबका समीकरण होता है वाई इक्वल टू एम एक्स। तो हमने लिख दिया कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का व्यापक समीकरण y बराबर mx, और इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं समानांतर रेखाओं की विवर्तता बराबर होती है, इसलिए इस रेखा की विवर्तता जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है वही होगी जो इस दी गई रेखा की विवर्तता है। इसलिए हमने लिख दिया जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वह दी गई रेखा के समानांतर है, अतः इस रेखा की विवर्तता, मतलब जिस रेखा की विवर्तता हमें ज्ञात करनी है वो एम बराबर हो जाएगा दी गई रेखा की विवर्तता, और दी गई रेखा की विवर्तता आपकी कितनी है 4/3। तो ये आपने लिख दिया m का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट तात्पर्य यह है जो हमें निकालना था, ज्ञात करना था। तो हमने जब m का मान यहाँ पर 4/3 लगा दिया तो रेखा का समीकरण आ गया हमारा y इज इक्वल टू 4/3x। ये आपका आंसर हो गया एक प्रकार से, लेकिन अगर आप इसको चाहें थोड़ा सा तो और तरह से भी लिख सकते हैं, आपका ये प्राप्त हुआ वाई इक्वल टू 4/3, 4/3 एक्स, 4/3 एक्स, इसके नीचे आप एक मान लेंगे और क्या के गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 3y, क्लियर। और ये पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, उत्तर। तो इस प्रकार से आपने इस रेखा का समीकरण प्राप्त कर लिया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण के अंदर हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, ये रेखा मूल बिंदु से भी जा रही है और ये रेखा इसके समानांतर भी है, इसलिए हमारा रेखा का समीकरण आ गया। अगर आप छोड़ना चाहें तो उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो जरा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको आप 2-3 लाइनें बढ़ाकर आंसर यहाँ पर ला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के अनेकों प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तकों में दिए गए हैं, आप उन्हें हल कीजिए, हल करने का अभ्यास कीजिए। और इसके बाद आज हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे के लिए इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सिखलाएंगे जो आपको हम बतला चुके हैं उस मेथड से रिलेटेड, ठीक। धन्यवाद।